वेलकम टू छोटी छोटी बातें। घी जो सबके घर में होता है और इसके फायदे अनगिनत हैं। घी ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जैसे आवश्यक फैटी एसिड से समृद्ध है। घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। घी में मौजूद विटामिन के हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि विटामिन के कैल्शियम उत्पादन में मदद करता है। घी अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। बच्चों को घी खिलाने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। घी आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है। घी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी मदद करता है। घी में DHA होता है, जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है और याददाश्त में सुधार करता है। बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए मदद करता है। घी बच्चों को घी देने से खाना आसानी से पच जाता है। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों के आहार में घी को शामिल किया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आप धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को आधी छोटी चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। 8 महीने के बच्चे को 1 छोटी चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हो। 10 महीने के बच्चे को 1 से 1.5 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। 1 साल के बच्चे को 1 से 1.5 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। 2 साल के बच्चे को 1.5 से 2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। बच्चों को आप घी दाल, चावल, रोटी, दलिया, दूध या खिचड़ी में डालकर भी दे सकते हैं।